बुद्ध का एक सूत्र है जो कहता है, देखो उसने मुझे कैसे गाली दी और पीटा, कैसे मुझे नीचे फेंक दिया और लूट लिया। ऐसे विचारों के साथ रहो और तुम नफरत में रहते हो, या फिर ऐसे विचारों को त्याग दो और प्रेम में रहो। घृणा का संबंध हमेशा अतीत और भविष्य से होता है, लेकिन प्रेम को किसी अतीत या भविष्य की जरूरत नहीं होती, प्रेम वर्तमान में होता है। घृणा का जन्म अतीत में होता है। कल किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम उसे एक घाव की तरह लिए घूम रहे हो, या फिर तुम डरते हो कि कल कोई तुम्हारा अपमान करेगा, लेकिन प्रेम को किसी संदर्भ की जरूरत नहीं। यही प्रेम की खूबसूरती और आजादी है। घृणा एक बंधन है जो हम खुद अपने ऊपर थोपते हैं, और घृणा घृणा को जन्म देती है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसके दिल में अपने लिए प्रेम पैदा कर रहे हो। प्रेम को बांटना इतना आनंदमय है, इसलिए हम बांटते हैं बिना किसी कारण के, बस बांटने के लिए बांटना। लेकिन जो प्रेम हमने अब तक जाना है वो असली प्रेम नहीं है, वो घृणा का दूसरा रूप है। इसलिए उस प्रेम को संदर्भ की जरूरत होती है। सच्चा प्रेम बिना किसी कारण के तुम्हारे भीतर से फूट पड़ता है। वो तुम्हारे भीतर के आनंद को बांटता है, अपने हृदय को बांटता है। अगर हम इस प्रेम के आयाम में चले जाएं, तो हम तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और हम इस धरती को स्वर्ग बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रेम प्रेम को जन्म देता है, ठीक वैसे ही जैसे घृणा घृणा को। प्रणाम।